नमस्कार सभी को, मैं रवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें आपकी जो यूनिट थर्ड है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म, वो मैंने आपको स्टार्ट की थी और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फेज स्पेस है वो क्या होता है, ठीक है जी। और हैमिल्टोनियन फॉर्मेलिज्म का एक तरीके से इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, ठीक है जी। आइए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है। जैसे लैग्रेंजियन फंक्शन होता था ना, इसी तरीके से हैमिल्टोनियन फंक्शन है। तो हैमिल्टन से बनता है हैमिल्टोनियन, ठीक है जी। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन कह दो इस हेडिंग को, यानी हैमिल्टोनियन फंक्शन का डेरिवेशन आ जाए तो आपको यह करना है, ठीक है जी। फिर आपसे इस तरीके से भी कह सकता है कि आप हैमिल्टोनियन निकालो, ठीक है, किसके लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, ठीक है, किसके लिए, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, यानी कि संरक्षण निकाय के लिए, ठीक। और एक जो सिलेबस में हेडिंग लिखी है वो ये भी लिखी है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है जी। किसकी कंस्ट्रक्शन, हैमिल्टोनियन की, यानी उसे उत्पत्ति उसकी करनी है, आपको बनाना है, और किसके हेल्प से, तो लैग्रेंजियन की हेल्प से। कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो तीन हेडिंग के रूप में इसे जाना जा सकता है। एक तो हैमिल्टोनियन फंक्शन एक हेडिंग आपके सामने है, दूसरी है आपकी हैमिल्टोनियन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, और तीसरी है कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो, आप एक बात जानते हैं कि लैग्रेंजियन क्या होता है। वी नो दैट लैग्रेंजियन, जो लैग्रेंजियन होता है ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम का, है ना। चलो एक लाइन खींच लें, वो क्या होता है आप जानते हो। L बराबर होता है L फंक्शन होता है किसका, क्यू जे डॉट, ठीक है, ये वाला डॉट अलग है और ये जो है ना ये बिंदी है तो J की, तो क्यू जे डॉट और T। क्यू जे क्या है आप जानते हैं, वेयर करके आप लिख सकते हैं, वेयर है ना, लिख दियो। चलो यहाँ क्या लिखोगे, क्यू जे क्या है, तो क्यू जे है आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। तो क्यू जे मैंने बताया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और क्यू जे डॉट क्या है, तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम, ठीक है, लिख दो बाहर करके। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। और आप जानते हो लैग्रेंज की इक्वेशन क्या है, तो लैग्रेंज की इक्वेशन कौन सी वाली, मोशन की, आप जानते हो क्या होती है, डी अपॉन डी टी, लेकिन यहाँ डेल ले लो, डेल ओवर डेल टी, बताऊंगा क्यों, क्या होता है, डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू जे, ठीक है जी, और बराबर क्या होता है, जीरो। इक्वेशन नंबर 2, देखो ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसका डिफरेंशियल करो पार्शियली टी के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 कैसे, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी, करो क्या आएगा, डेल एल ओवर डेल टी, और ये फंक्शन का तो कैसे होता है पता ही आपको, क्या होगा, डेल एल ओवर डेल क्यू जे, ठीक है, और फिर क्यू जे का होगा तो डेल क्यू जे ओवर डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में, प्लस ये बता रखा है ना मैंने, डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट, और यहाँ क्या आएगा, डेल क्यू जे डॉट ओवर डेल टी प्लस टी का करो, मतलब एल का होगा पहले टी के रेस्पेक्ट में और फिर टी का होगा टी के रेस्पेक्ट में, क्लियर है। तो देखो डेल एल ओवर डेल टी बराबर डेल एल ओवर डेल क्यू जे, और ये डेल एल वो डेल क्यू जे ओवर डेल टी डिफरेंशियल है ये एक बार, तो क्यू जे डॉट हो जाएगा, समझ गए, प्लस डेल एल टी के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल होता है उसको, उसे डॉट करके लिख लेते हैं,
ये देखो क्यू जे डॉट का डिफरेंशियल है टी के रेस्पेक्ट में, तो क्यू जे डबल डॉट हो जाएगा, ये डेल्टा डेल्टी कट जाएगा, तो बचेगा डेल एल ओवर डेल्टी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखो डेल एल ओवर डेल क्यू जे निकाल दो सेकंड से, डेल एल ओवर डेल क्यू जे इसकी वैल्यू सेकंड से निकाल के यहाँ रख दो थर्ड में, तो क्या करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से बताओ डेल एल ओवर डेल क्यू जे क्या हो जाएगा बताओ, ये तो बचेगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो बराबर में ये बचेगा डेल ओवर डेल टी डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ रख दो थर्ड में, पुट इन थर्ड, तो थर्ड इम्प्लाइज हो जाएगा, देखो डेल एल ओवर डेल टी बराबर डेल एल ओवर डेल क्यू जे के स्थान पर वो रख दो ये वाला, तो हो जाएगा डेल एल वो डेल ओवर डेल टी है ना, डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट। ठीक है, ये रख दिया इसके स्थान पे, इनटू में क्या है क्यू जे डॉट प्लस, आगे का सेम लिख दो डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट और ये है क्यू जे डबल डॉट प्लस में है डेल एल ओवर डेल टी। ठीक है जी, क्लियर हुआ, यहाँ से देखो डेल एल ओवर डेल टी और इसे आप ऐसे लिख दो डेल ओवर डेल टी और क्यू जे डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट। ठीक है, यानी ये जो था ना ये वाला, इस सारे को आप ऐसे लिख सकते हो और आगे वाला ऐसे रहेगा डेल एल ओवर डेल टी। ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हैं, चूंकि इसका डिफरेंशियल करो तो यही आएगा, कैसे आएगा देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डेल ओवर डेल टी किसके साथ जाएगा सेकंड फंक्शन के, तो ये हो गया प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, इस बार ये वाला एज इट इज है, और डिफरेंशियल ऑफ क्यू जे डॉट यानी फर्स्ट फंक्शन और क्यू जे डॉट का डिफरेंशियल करोगे तो क्यू जे डबल डॉट हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशियल करोगे तो यही आएगा जो ये ब्रैकेट में बंद है, तो इस सारे को आप ऐसे लिख सकते हो और याद कैसे रहेगा, तो डेल ओवर डेल टी है ना क्यू जे डॉट डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट, ये दोनों ही तो हैं। ठीक है, बस ये पहले लिख दिया ये बाद में लिख दिया, ब्रैकेट दोनों का एक लिख दिया। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है यहाँ तक, तो इक्वेशन 4 हमें मिली इक्वेशन 3 को, जब आपने इक्वेशन 3 में जब आपने 2 से वैल्यू निकाल के रखी, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको दिख रहा है ना डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट, इसकी आपको क्या कर देनी है वैल्यू निकाल देनी है और फिर यहीं रख देनी है। ठीक है, तो इसके लिए लैग्रेंजियन की ज़रूरत पड़ेगी है ना, तो आप क्या लिखो, लिखो वी नो दैट, नीचे लिख लेता हूँ, चलो अभी आप जानते हो लैग्रेंजियन क्या होता है, लैग्रेंजियन है ना ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम का लैग्रेंजियन क्या होता है आपको पता है, L बराबर होता है T माइनस वी। ठीक है, तो हमें चाहिए डेल L अपॉन डेल क्यू जे डॉट, तो इसका डिफरेंशियल कर दो पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, तो क्या आएगा डेल L ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर डेल T ओवर डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू जे डॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, देखो भाई मेन बात समझो आप, यहाँ तक समझ में आया आपको, लैग्रेंज जो होता है फंक्शन किस टाइप से होता है ये लिखा है ना, और फिर लैग्रेंज की इक्वेशन लिखी, ठीक कोई दिक्कत, लैग्रेंज की इक्वेशन में आपको डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट मिल जाएगा है ना। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैंने लिख दी है, मेन चीज़ क्या है, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना आपने पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया उसका टी के रेस्पेक्ट में, तो इस तरीके से मिली इक्वेशन 3। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इक्वेशन सेकंड से डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल के सेकंड से यहाँ रख दो आप थर्ड में, तो फिर इस तरीके से सॉल्ट हो जाएगी। अब क्या है डेल ओवर डेल एल ओवर डेल टी की वैल्यू निकल जाए, यदि हमारे पास वैल्यू हो
डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट की। तो अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, हम डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू निकाल दें। और ये कब निकलेगी, जब आप लैग्रेंजियन लेकर के डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट निकाल दें तो निकल जाएगा, ठीक बात है। लेकिन इसकी वैल्यू तब निकलेगी जब इसकी वैल्यू निकल जाए और इसकी वैल्यू निकल जाए। तो अब इसे इक्वेशन 5 डाल के पहले इसकी वैल्यू निकालो फिर इसकी निकालो, दोनों की निकाल गई है ना, दोनों की यहाँ वैल्यू रख के इसकी आ जाएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे, है ना, डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये मैंने बताया था जब लैग्रेंज के इक्वेशन का प्रूफ कराया था सेकंड यूनिट में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो फंक्शन होती है केवल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये जनरलाइज्ड जो है ना, ये पूरा लिखा हुआ है ना, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, यानी किसका, तो क्यू जे का है। किसका है, क्यू जे का। किसका नहीं है, तो नोट ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू जे डॉट का नहीं है, ठीक है। क्यू जे का है, क्यू जे डॉट का नहीं है। तो देन इसका मतलब है कि जो वी है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी, वो फंक्शन है क्यू जे का, यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, और जबकि फंक्शन नहीं है किसका, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, क्यू जे डॉट का। तो इसका मतलब है यदि आप डेल वी ओवर डेल क्यू जे डॉट करते हैं तो बताओ क्या आएगा भाई, वी जो है वी के फंक्शन में क्यू जे डॉट नहीं है, तो क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि वी में क्यू जे डॉट है ही नहीं, है ना। और जो नहीं है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं और वो है ही नहीं उस फंक्शन में, तो सब कांस्टेंट माने जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल में, और डिफरेंशियल कितना होगा, जीरो, ठीक है। तो डेल वी ओवर डेल क्यू जे डॉट कितना होगा, जीरो। ये वैल्यू इसकी तो निकल गई, डेल वी ओवर डेल क्यू जे डॉट जीरो होगा। इसकी ओर देख लो, एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको याद होगा, टी बराबर सिग्मा जे बराबर 1 to n हाफ, है ना, एम जे, और यहाँ क्यू जे डॉट का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होगा, हमें चाहिए डेल टी ओवर डेल क्यू जे डॉट, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, लेकिन कैसे, पार्शियल, तो जाएगा डेल टी अपॉन डेल क्यू जे डॉट बराबर, देखो डेल ओवर डेल क्यू जे डॉट, क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, और ये आगे वाला सारा एज इट इज लिख लो, हाफ एम जे क्यू जे, है ना, डॉट का स्क्वायर, क्लियर है। तो मैं उस साइड से रफ कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है जी। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, समझ गए, डेल वी, बल्कि ये तो मैंने अभी लिखा है, तो मैं ये रफ कर देता हूँ, इक्वेशन 4 की तो आवश्यकता पड़ेगी, है ना, तो ये कर देता हूँ बस। तो साथ साथ लिखते चला करो, है ना, क्योंकि फिर ऐसे कन्फ्यूजन रहता होगा स्क्रीनशॉट में, किसके बाद क्या है, कैसे है, ठीक है। मैंने कहा इसका डिफरेंशियल कर दो तो आ जाएगा डेल टी ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर, है ना। देखो ये डिफरेंशियल है ना, और सिग्मा या इंटीग्रल का मतलब होता है जोड़ना, डिफरेंशियल का मतलब तोड़ना। तो ये एक तरीके से सिग्मा भी इंटीग्रल का काम करता है, क्योंकि सिग्मा का मतलब भी जोड़ना, इंटीग्रल का मतलब भी जोड़ना। तो ये समीशन और ये डिफरेंशियल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ ये बचेगा हाफ एम जे, और जब इंटीग्रल करोगे, ठीक है, किसका, क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में, क्यू जे डॉट का स्क्वायर का, तो क्या आएगा, 2 क्यू जे डॉट का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर का तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया, है ना, तो 2 क्यू जे डॉट हो जाएगा, है ना। ये सिग्मा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा कंप्लीट के लिए है और ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, तोड़ने की बात हो रही है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो
तो डेल टी ओवर डेल क्यू जे डॉट, देखो एम जे क्यू जे बचेगा, एम जे क्यू जे डॉट। और आपको याद हो भाई एम जे मास है और क्यू जे डॉट क्या है, वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, तो जनरलाइज मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे पी जे। ठीक है, क्लियर है। तो देखो डेल टी ओवर डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू भी निकल गई, डेल वी ओवर डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू भी निकल गई, दोनों वैल्यू निकल गई, फिफ्थ में रख दो। तो फिफ्थ इम्प्लाइज तो आ जाएगा डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर डेल टी ओवर डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू है पी जे और इसकी वैल्यू है जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर क्या आ गया, पी जे। ठीक है, ये इक्वेशन भी आप याद रखियो, ये कई जगह आगे आपको है ना काम आने वाली है, तो इसलिए इसे आप इक्वेशन नंबर 6 डाल लो और बॉक्स में बंद कर लो, क्योंकि ये याद रखियो डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट क्या होता है, पी जे। और इससे पहले शायद मैंने पढ़ा है आपको, या पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे, डेल एल ओवर डेल पी जे डॉट बराबर होता है क्यू जे। ठीक है, क्लियर है। चलो वो जब जहाँ आएगा जब ये देखेंगे, फिलहाल ये याद रखियो डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट क्या होता है, पी जे। और ये शायद पहले भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या था, हमें निकालनी थी डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू इसकी, तो निकल तो गई, ये आइए कहाँ रख दो, फोर्थ में। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इस साइड से रफ कर देता हूँ सब। फोर्थ में रखनी है तो डेल, और देखो क्यों रखनी है मुझे नहीं लगता मुझे बताने की आवश्यकता है, यदि आप ध्यान से समझते चल रहे हैं तो। ठीक है भाई, डेल एल ओवर डेल टी निकालना था, ये कब निकलेगा, जब ये चाहिए ये निकल जाए। तो इसे निकालने के लिए ये लिया था, और इसे निकालने के क्रम में पहले ये चाहिए था फिर ये चाहिए था, तो दोनों को निकाल के यहीं रखा, तो ये निकल गया और ये निकल के कितना आया, पी जे। तो जब ये निकल गया तो इसे यहीं तो रखोगे फोर्थ में, तो क्या आएगा, डेल ओवर डेल टी क्यू जे डॉट, और यहाँ क्या है, पी जे, और प्लस में क्या है, डेल एल ओवर डेल टी। ठीक है, क्लियर है। और एक काम कर लो, ये दोनों डेल ओवर डेल टी, डेल ओवर डेल टी, तो इन्हें एक साइड कर दो, डेल ओवर डेल टी। ठीक है, और बल्कि एक काम करो, इसे इस साइड ले जाओ, इसे इस साइड ले जाओ, पहले ऐसे कर लो, या अभी ऐसे कर लो, चलो बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे, बात वही है। तो क्या बचेगा, एल माइनस, ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्यू जे डॉट पी जे, और बराबर बचेगा डेल एल ओवर डेल टी, समझ गए। तो मैं क्या करूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, वही बात, या तो आप इसे उस साइड ले जाते है ना, और उसे इस साइड ले जाते, या आप माइनस कॉमन ले लो, तो पलट दो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन दो तो डेल एल वो डेल ओवर डेल टी, ये हो जाएगा क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल, और इसका जो माइनस है ना कॉमन लेगा वो उधर चला गया, डेल एल ओवर डेल टी। क्लियर है, इस सारे को एच मान लो, क्यों मानेंगे बताऊंगा, डेल एच ओवर डेल टी माइनस का डेल एल ओवर का ओवर डेल टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या डाल लो, 7 डाल लो। और भैया मैंने क्या किया, ये जो था ना इसे एच माना है, यानी एच की जगह क्या है, क्यू जे डॉट पी जे और माइनस एल। ठीक है, ये पता है क्या है, यह हैमिल्टोनियन, जैसे एल क्या था, लैग्रेंजियन, इसी प्रकार ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और जनरली यदि आप बात करें, देखो जनरली हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होगा, जनरली भाई ये तो किसी एक कोऑर्डिनेट को आप लेके चले थे, जैसे क्यू जे लिया था, ठीक है, तो क्यू जे डॉट आया और इसी के करस्पॉन्डिंग पी जे आया, तो एक को लेके चले, लेकिन सब को लेके चले, सब पार्टिकल्स के लिए बात करें तो जे बराबर वन से लेकर एन तक है, तो क्या हो जाएगा, जनरली हैमिल्टोनियन जो फंक्शन सिस्टम है, हैमिल्टोनियन जो है, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, जनरली जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन है ना, वो एच बराबर होगा सिग्मा, जे बराबर वन से लेकर एन तक,
क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल, ठीक है जी, ये होगा। ये क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है, ठीक है, जो आपने हेडिंग डाली थी, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये जनरली है ना, क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है, या हैमिल्टोनियन है किसका, सिस्टम का। और ये होता क्या है, जैसे भाई एल बराबर तो होता था टी माइनस वी, तो ठीक इसी प्रकार एच बराबर क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। देखो यहाँ से आगे चलते हैं, नाउ एच बराबर है ये जे बराबर है वन से लेकर एन तक समीशन, है ना, और क्यू जे डॉट, और ये है पी जे, तो पी जे को आप लिख सकते हो एम जे एम इंटू क्यू जे डॉट, ठीक है, पता है ना आपको भाई, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो मास एम जे और क्यू जे डॉट है वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, माइनस एल, एल की जगह आप रख सकते हो टी माइनस वी। साइड में बता दो, आपने पी जे के स्थान पे तो रखा है एम जे क्यू जे डॉट, और एल की जगह रखा है टी माइनस वी, क्लियर है, एल के स्थान पर क्या रखा, टी माइनस वी। तो देखो एच बराबर क्या हो जाएगा, समीशन जे बराबर वन टू एन, और ये हो जाएगा देखो हाफ, यहाँ लिख लिया तो यहाँ टू लिख लो, मतलब दो से भाग दो से गुना एम जे, और ये हो जाएगा क्यू जे डॉट का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टी प्लस वी। तो ये क्या होता है, ये तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ये, है ना, हाफ एम जे क्यू जे डॉट का स्क्वायर, है ना, इसके लिए क्या रख दोगे टी, तो एच बराबर हो जाएगा टू टी माइनस टी प्लस वी, टू टी में से टी गया एक टी बचेगा, ठीक है, तो एच बराबर क्या आता है टी प्लस वी। जिस प्रकार लैग्रेंजियन था टी माइनस वी, ठीक वैसे ही हैमिल्टोनियन है टी प्लस वी, ठीक है, टी क्या है काइनेटिक एनर्जी और वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिख देना यहाँ पे, हैंस द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज नोन एज हैमिल्टोनियन, ठीक है, ऑफ दैट सिस्टम, उस सिस्टम का हैमिल्टोनियन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये हैमिल्टोनियन फंक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन फ्रॉम लैग्रेंजियन, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन फॉर ये कंजर्वेटिव सिस्टम, तीनों ही हेडिंग में से कुछ भी आए ये आपको सारा करके आना है, ठीक है जी। तो ये लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।